महादेव जी आज आपसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह कोई परीक्षा नहीं बल्कि ऊंचा उठने का मौका है। पाठ समाप्त हो रहा है और नए द्वार खुल रहे हैं। चिंता न करें, मैं आपके अनुरोधों से आगे बढ़ूंगा। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। भरोसा करें और प्राप्त करें। यदि आप सहमत हैं, तो 1111 टाइप करें। क्रिस्टल सुझाव देता है कि नए विचार उमड़ रहे हैं जो आपको अपने दिमाग का विस्तार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पीछे मत हटो, उन बीजों को बो। हम आपको आगे बढ़ने और सफल होने का विश्वास देते हैं। आप जो जुनून महसूस कर रहे हैं वो आपके सपनों के भविष्य को आकार दे रहा है। रोमांचक समय आने वाला है, इसका लाभ उठाएं। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। एक दिन अप्रत्याशित रूप से आपकी मुलाकात किसी सौम्य हृदय वाले व्यक्ति से होगी। आपको खुशी होगी कि आपने इसे खुला रखा और उस चीज के लिए संघर्ष किया जिसके लिए आप सोचते थे कि यह योग्य है। अपने कठिन क्षणों पर विचार करें, उन्होंने आपको खुद को महत्व देना, खुद को अभिव्यक्त करना और शांति को प्राथमिकता देना सिखाया। आप एक नया जीवन बना रहे हैं, ताकत अपना रहे हैं। पुष्टि करने के लिए मैं विकसित हो रहा हूँ टाइप करें। अपनी क्षमता पर विचार करें और नए कौशल को अनलॉक करें। लक्ष्य के लिए कोई जल्दबाजी नहीं, धैर्य रखें, अच्छी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें, दूसरों को प्रोत्साहित करें और अच्छी ऊर्जा की वापसी देखें। यदि आप भगवान में विश्वास करते हैं तो हाँ टाइप करें। लक्ष्य तेजी से सामने आ रहे हैं। स्पष्ट रूप से कल्पना करें कि आप क्या चाहते हैं और ब्रह्मांड आपकी जरूरत की हर चीज को संरेखित कर देता है। फोकस से लाभ मिलता है, प्रक्रिया का आनंद लें और यात्रा के लिए आभार व्यक्त करें। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो ये टाइप करें। इस महीने बड़े बदलाव आ रहे हैं जो आपके लक्ष्यों को पूरा करने और नवीनीकृत ऊर्जा प्रदान करेंगे। संतुलित रहें और चल रही प्रक्रिया पर भरोसा रखें। महादेव जी आपको आश्वस्त कहते हैं कि आप भगवान के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं। हार न माने या डर को अपने सपनों में बाधा न बनने दें। सफलता आपकी है। अनंत आशीर्वाद, उपचार और इच्छाएं पहले ही घटित हो चुकी हैं। उन्हें स्वीकार करें और भौतिक रूप में साकार करें। क्वांटम यूनिवर्स को आपके नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यदि आपको विश्वास है तो 555 टाइप करें। ये जीवन की चुनौतियां हैं, आपके आंतरिक अस्तित्व को जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। शांति से जुड़े रहें, क्योंकि आंतरिक स्थिरता एकजुट रहते हुए कुशल कार्रवाई की कुंजी है। ब्रह्मांड धैर्य का आग्रह करता है, गीतों, वार्तालापों और सपनों के माध्यम से संकेत भेजता है। परीक्षण विकास को प्रोत्साहित करते हैं, आपको सफलता के लिए तैयार करते हैं। बस इंतजार करें और देखें। यहीं पर आप अपने परिवर्तनों के परिणाम देखना शुरू करते हैं। आपको एहसास होगा कि आप कितनी अच्छी तरह सुरक्षित हैं। पुराने को अलविदा कहो, अपनी आत्मा को अपने अतीत के किसी भी प्रयास को आपको पीछे खींचने से रोकें। पुरानी आदतों को दोहराना बंद करने का समय आ गया है। ये संरेखित करने का समय है। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो यस पर क्लिक करें। बाद में समस्याओं से बचने के लिए आज अपने निर्णयों में अपनी अंतरात्मा की आवाज का पालन करें। शांत दिमाग रखें, आप स्थिर महसूस करने के पात्र हैं। कृतज्ञता को आप जो कुछ भी देखते हैं उसे ढक लेने दें। प्रेरणा को आपका मार्गदर्शन करने दीजिए। अपने दिल को तुम्हारे लिए बोलने दो। फोकस को अपना लक्ष्य बनने दें। आप आध्यात्मिक रचनात्मकता के एक नए स्थान पर हैं। आप जानते हैं कि अपनी प्रगति को तेज करने के लिए क्या करना चाहिए। ये सब यहाँ आपके लिए है। आज जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण के खुले रास्ते में आपने जो सीखा है उसके अनुसार जिएं। सोमवार की सुबह के लिए 4 प्रार्थनाएं। 1. महादेव जी, अगर ऐसा होना ही है तो कोई रास्ता बनाओ। मुझे आपकी योजना पर भरोसा है, तथास्तु। 2. महादेव जी, मुझे बेहतर बनाओ। मेरा दृष्टिकोण, मन और प्रतिक्रियाएं बदलें। महादेव जी के नाम में, तथास्तु। 3. महादेव जी, मेरे मन को शांत करो, मेरे दिल को ठीक करो और मेरी चिंताओं को दूर करो।
तथास्तु। 4. महादेव जी, मुझे अपना आनंद, शांति, मन या ध्यान खोने न दें। महादेव जी के नाम में। तथास्तु। महादेव जी, मैं जानता हूँ कि आपके पास मेरे जीवन के लिए एक अच्छा उद्देश्य है। मुझे अपनी दिशा समझने में मदद करें। मेरा हृदय तुम्हारे साथ संरेखित हो जाए। मैं जिसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे तैयार करें। मैं अपने जीवन पर आपका आह्वान जानना चाहता हूँ। मैं वो सब बनना चाहता हूँ जिसके लिए आपने मुझे बनाया है। महादेव जी के नाम पर आमीन। स्वयं इसकी पुष्टि करने के लिए हाँ टाइप करें। महादेव जी, जैसे ही यह नया सप्ताह आता है, मैं सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे परिवार को नुकसान से बचाएं। बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय लेने के लिए मेरा मार्गदर्शन करें। ये सप्ताह चुनौतियाँ ला सकता है, लेकिन मुझे ये याद रखने में मदद करें कि आपकी योजनाएं मेरी योजनाओं से बड़ी हैं। मुझे अपने करीब बताओ ताकि मैं इस सप्ताह तुम्हारी इच्छानुसार चल सकूं। महादेव जी के नाम पर तथास्तु। भाग्यशाली संख्या 888। महादेव जी, मुझे आपकी जरूरत है। मैं अभिभूत और थका हुआ महसूस करता हूँ। मैं काफी समय से बहुत कुछ लेकर चल रहा हूँ। मैं आराम और शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं अपना बोझ तुम्हें सौंपता हूँ और अपनी आशा तुम पर रखता हूँ। इस सप्ताह मुझे अपने करीब लाओ प्रभु, ताकि मैं तुम्हारे साथ चल सकूँ। मैं यह अकेले नहीं कर सकता, केवल तुम्हारे साथ रहकर। भगवान, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। महादेव जी के नाम में। तथास्तु। दावा करने के लिए मैं प्रचुर हूँ टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 999। आराम करें और ब्रह्मांड को आपके माध्यम से काम करने दें। जो भी आपके रास्ते में आए उसे प्राप्त करने के लिए खुले रहें। थोड़ा ही काफी है। कम हताश, कम मजबूर, कम चिंतित, कम समस्याग्रस्त, कम प्रतिरोधी और अधिक प्रवाहशील बनें। एक बार फिर अहंकारी बनें, लेकिन आत्मा आराम करती है, आपको उस चीज के साथ तालमेल बिठाने में मदद करती है जिसके आप हकदार हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप व्यवहारिक कार्य करना बंद कर दें, बल्कि करने और होने के बीच संतुलन बनाएं। उपस्थित रहना आपको आशीर्वाद के प्रति अधिक चुंबकीय बनाता है, क्योंकि आप ब्रह्मांड पर भरोसा कर रहे हैं। प्रेरित कार्य करने के लिए भी यही बात लागू होती है। जिस चीज से आपको खुशी मिलती है, उसे और अधिक करें। सही समय रेखा के साथ जुड़े रहने के लिए हर विकल्प में अपने अंतर्ज्ञान को सुने। यदि आप सहमत हैं, तो हर हर महादेव टाइप करें। ये सप्ताह स्पष्टता और दिशा लाएगा। आप अपने सच्चे स्व और शक्तियों पर आधारित महसूस करेंगे। आपकी अभिव्यक्ति शक्ति बढ़ रही है और अधिक आशीर्वाद आकर्षित कर रही है। बिना किसी हिचकिचाहट के खुद पर विश्वास रखें। भाग्यशाली संख्या 1010। आपका मन ठीक हो रहा है, आपका शरीर ठीक हो रहा है, आपका दिल ठीक हो रहा है। अपने जीवन में प्यार, अच्छे स्वास्थ्य, प्रचुरता, सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे लोगों का स्वागत करें। कृतज्ञता की मानसिकता रखकर आप अपनी ऊर्जा के अनुरूप अच्छी चीजों को आकर्षित करते हैं। अपनी चेतना खोलें और स्वयं को देखें कि आप वास्तव में कौन हैं। किसी फॉर्म में वेलकम द न्यू टाइप करें। अगले 7 दिनों में आपके पास अपने जीवन में बड़ा बदलाव करने का मौका है। जीवन आपको स्वयं को दिखाने वाला है। बस अंदर की शांत आवाज को सुने, अपने मन पर भरोसा रखें। एक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए साहसी बने और इसके लिए खेद न कहें। यदि आप सहमत हैं, तो हाँ टाइप करें। 1111। आपके जीवन में एक शक्तिशाली नया अध्याय शुरू हो रहा है। आप उस क्षमता को अनलॉक कर देंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते थे कि आपके पास है। आपके जीवन के सभी अनुभव एक साथ आ रहे हैं। नए अवसरों और आशीर्वादों के लिए तैयार रहें। ये चरण बाधाओं को तोड़ने, पुराने तरीकों से आगे बढ़ने और अपनी शक्ति का दावा करने का मौका है। यदि आप तैयार हैं, तो हाँ टाइप करें। आपका जीवन ही आपका संदेश है। आप वही बन रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति हैं। जब आप किसी ऐसी चीज की ओर आकर्षित होते हैं जो आपकी आत्मा बोलती है, तो आपकी आत्मा जानती है कि क्या करना है
यह आपका अंतिम मार्गदर्शक है। अपने पुनर्जन्म की अनुमति दें। वो व्यक्ति बने जो अंदर से बाहर तक जीता है। अपनी आवश्यकताओं, जुनूनों को जानें और अपनी शक्तियों का सम्मान करें। भाग्यशाली संख्या 1212, शांत रहो। जो पहले ही हो चुका है उसे सीखने से आपको शांति मिलेगी। आप हमेशा सब कुछ नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अज्ञात में जादू है। जिंदगी कई मोड़ लेती है। अपना सिर ऊपर रखें और जोर लगाते रहें। अज्ञात यात्रा को गले लगाओ। यही जीवन की सुंदरता निहित है। सहमत होने के लिए मेरी शक्ति को गले लगाओ टाइप करें। आपका जीवन ही आपकी कहानी है। अपने आप को नायक, योद्धा, प्रेमी, चुनौतियों का सामना करने वाले और आगे बढ़ने वाले व्यक्ति के रूप में स्थापित करें। अपने आप को पीड़ित के रूप में न देखें। अपने आप में संसार के प्रति जागो। दुनिया में अपने लिए मत देखो। अपने आंतरिक खजाने के प्रति जागरूक होने का मतलब ये जानना है कि कोई भी बाहरी चीज इसे छीन नहीं सकती। सहमत होने के लिए 444 टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 1313, भरोसा रखें कि अज्ञात आपके जीवन में सुंदर आशीर्वाद लाएगा। डरो मत, इस क्षण के प्रति समर्पण कर दें और जीवन को आप पर वो सब बरसाने दें जो आपको विकसित होने के लिए चाहिए। भरोसा रखें कि वो सब कुछ सामने आएगा जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। यदि आपको ये घोषणा प्राप्त होती है तो इसे दावा करें टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे जैसे आप जीवन की यात्रा करते हैं, एक शक्तिशाली शक्ति है जो आपको घेर लेती है, आपके हर कदम की रक्षा करती है और आपको नुकसान से बचाती है। यदि आपको भगवान पर भरोसा है तो 888 टाइप करें। ये शक्ति मेरी सुरक्षा है और यह निरंतर, अटल और दृढ़ है। मैं आपको इसकी उपस्थिति और इसके वादे की याद दिलाना चाहता हूँ। हर दिन जैसे ही आप उठते हैं, यहाँ तक कि आपकी आँखें खुलने से पहले ही, मेरी सुरक्षा पहले से ही मौजूद होती है जो दिन भर आपका साथ देने की प्रतीक्षा करती है। जब सूरज चमकता है तो यह मेरी देखभाल की गर्माहट का प्रतिबिंब होता है, और जब रात होती है तो ऊपर के तारे एक अनुस्मारक के रूप में चमकते हैं कि अंधेरे में भी मेरी सुरक्षा उनकी चमक की तरह स्थिर है। उन क्षणों में जब आप अकेला महसूस करें, ये याद रखें, मेरी सुरक्षा सिर्फ आपके आसपास नहीं है, यह आपके भीतर है। यह आपके दिल के सबसे गहरे कोनों में रहता है। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो ताकत प्रदान करता है, और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो आशा प्रदान करता है। आपके सामने आने वाली हर चुनौती, आपके सामने आने वाली हर बाधा का सामना मेरे सुरक्षात्मक आलिंगन से होता है। हालांकि ये चुनौतियां आपके संकल्प की परीक्षा ले सकती हैं, लेकिन जान लें कि वे आपके मूल स्वरूप को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मेरी ढाल अभेद्य है। इसे अनंत प्रेम और दैवीय शक्ति से बनाया गया है। आकाश में पक्षियों पर विचार करें, वे बिना किसी डर के उड़ते हैं, इस बात पर भरोसा करते हैं कि धाराएं उन्हें ले जाएंगी। जैसे वे हवाओं पर भरोसा करते हैं, वैसे ही आप मेरी सुरक्षा पर भरोसा कर सकते हैं। यह उस हवा की तरह वास्तविक है जिसमें आप सांस लेते हैं। यह आपके दिल की धड़कन की तरह स्थिर है। दुनिया कभी कभी अराजक, अप्रत्याशित, यहाँ तक कि खतरनाक भी लग सकती है, लेकिन अराजकता के बीच एक आदेश है, एक दिव्य योजना है, और इस योजना के मूल में आपकी भलाई, आपकी सुरक्षा और आपकी खुशी है। आपके आसपास कितना भी शोर हो, मेरी सुरक्षा शोर को कम कर देती है और आपको शांति प्रदान करती है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।